अजमेर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सर्व समाज के लोगों के साथ आज सुबह जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर राजगढ़ भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज को लगातार जान से मिल रही धमकियों को देखते हुए पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि राजगढ़ में मसानिया भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इसके संबंध में पहले भी उन्हें तथा उनके परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग कई बार की जा चुकी है, बावजूद इसके आज तक उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजगढ़ भैरव धाम पर हर रविवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में कोई भी सामाजिक तत्व भीड़ का फायदा उठाकर उन पर कभी भी जानलेवा हमला कर सकता है। इसके अलावा चंपालाल महाराज का निवास स्थान चंद्रवरदाई नगर में है तथा राजगढ़ भैरव धाम से निवास स्थान तक आते जाते सुनसान इलाका पड़ता है, वहां भी उनके पर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है, इसलिए उन्हें पुलिस स्कॉट उपलब्ध कराई जाए ताकि कभी भी कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं हो सके। जी हम बताइए, किस मामले में को लेकर के आज ज्ञापन दिया गया? संत महंत इस देश के प्राण है, इस समाज के प्राण वायु है और राजगढ़ महाराज चंपालाल जी अनेकों वर्षों से समाज सुधार के अनेक कार्यों में जुटे हुए हैं। नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने में वो समर्पित व्यक्तित्व है और लगातार लगातार उनको जो है धमकियां दी जा रही है। पुलिस और प्रशासन आंखें मीचे बैठा हुआ है और पूज्य महंत और संतों को इस प्रकार की धमकियां विश्व हिंदू परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पूज्य संतों महंतों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है, इसके पुख्ता इंतजाम किए जाएं और राजगढ़ महाराज को जो धमकियां मिली है, धमकियां देने वालों की तुरंत गिरफ्तारी हो, इसको लेके आज हमने पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। किस प्रकार की धमकियां मिल रही है इनको? उनको जान से मार डालने की धमकियां लगातार मिल रही है और बड़ी शर्म की बात है कि धमकियां देने वाले को आज तक प्रशासन और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आज आपके साथ में कौन कौन से आए हुए हैं? हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद भजरंग दल के कार्यकर्ता और अन्य समाज बंधु भी आए हुए हैं और हिंदू समाज में इस बात को लेकर बड़ा आक्रोश है कि हमारे संतों महंतों की जो सुरक्षा नहीं कर पा रहा प्रशासन, तो आम जन की क्या सुरक्षा करेगा। परिचय शशि प्रकाश, सह प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद।